एक ओंकार श्री वाहेगुरु जी की फतेह है। बाबा नौद सिंह जी, कहो नानक करते किया बातां, जो किछ करना सो कर रहा। साईं दे रंग बेअंत ने अते उसकी कुदरत भी अनंत है। संसार की बाजी ऐसी है कि उसका अंत पाना सौखा नहीं। किते रंग तमाशे, किते खुशियां ते हासे, किते रोण ते किते वैण। एक पासे खुशी दे वाजे वज रहे ने ते दूजे पासे मातम हो रहा है। एक पासे घोड़ियां गाइया जा रही ने, तां दूजे पासे वैण पाए जा रहे ने। सिरजनहार अपनी इच्छा अनुसार जो किछ करना सो कर रहा है। इसलिए मन दे संसे छड़ के उस बेअंत प्रभु दी बेअंत लीला दा दर्शन करना ते उस दे प्यार अते याद विच रहना ही असली सुख है। इस वेले साड़ी नजर विच एक सुंदर रमणीक अते समुंदर दे किनारे दा एक छोटा जा पिंड है, जिथे कोई 25 को वरे दा जवान मापियां दा सुखा लद्दा खटन वाला कमाउन वाला व्याया वरिया एक लौता पुत्र चढ़ाई कर गया है। अते समय दे रिवाज मुताबक उस दे घर विच इस वेले रोण पिटन हो रहा है। मां दियां दिल चीरवियां चीकां, प्यो दे ठंडे साह, भैणां दे दिल चीरवे विरलाप, भरावां दे दुख ते संताप, ते इस्त्री दियां गुजियां आहां, आंडियां गुंडियां दे अफसोस अते रिश्तेदारां दे कीरने, इहो जिहा दुखदाई समा बना देंदे ने कि राह चलण वाले लोग भी दिल फड़ के बह जांदे ने। ओ नवी व्याही इस्त्री जिसने अजे दुनिया का कुछ भी नहीं सी वेख्या, विचारी इस हालत विच ही दुखी हो रही है। भावे ओ लोक लाज करके मुंह कुछ नहीं कहिंदी, पर अंदरों आवे दी अग वांग तप रही है, सड़ रही है। अखां भावे सुकियां ने, पर हैरानी ते दुख विच परेशान ने, मनो चिंता ते सोच दी मूरत बन गई है। शाम दा वेला हो गया, सारे रिश्तेदार मरे हुए नौजवान दी शरीर दा संस्कार करके वापस घर मुड़े आए ने। घर विच हुण इस्त्रियां दी कावां रौली ते कुछ घट गई है, पर पहली रात होण करके हालां हंजू वगदे ही पए ने। विधवा इस्त्री अपने प्यारे पति दी याद विच एक कोने विच बैठी सिसकदी ते बुसकदी पई है। आखदे ने कि नींद तां सूली ते भी आ जांदी है। इस नूं भी इस तरह एक पासे बैठिया कुछ नींद आ ही गई। बस अद पचद नींद दा आना ही सी कि डराउणे ते भयानक शकलां वाले जीव दिसण लग पै। इह त्रभ के उठी, कुछ सकिंट अखां मलदिया होया इसने बिताए।
बैठियां बैठियां फिर अख लग गई। हुण इस दी नजर दूजी दुनिया विच पहुंच गई जिथे ये धर्मराजे दे देश दी सैर कर रही है, जिथे हर वेले चीकां कूकां पुकारां हाय हाय मर गया दुहाइयां पै रही ने। धर्मराजे दे दरबार वल जाके वेख्या तो प्यारा पति दो जमदूतां दे पहरे विच धर्मराज दे सामने खड़ा है। धर्मराज न्याय कर रहा है, इन्हे नूं घर विच किसे दे आउण नाल फिर चीक चिहाड़ा शुरू हो गया तां इस दी भी जाग खुल गई। इस तरह दो चार दिन लंघ गए, पति दा विछोड़ा संसार तो उदासी सदा दे सुखां दा नास मौत दा डरावा परलोक दा सुपना इन्हां सारियां गल्लां ने मिलके इस नौजवान औरत दे मन नूं इस गल लई तैयार कर दिता कि ये इस संसार नूं त्यागण तो पहला परलोक दी भाव दूसरे जहान की कुछ खोज कर सके। इसलिए इसने एक बुढ़ी माई नूं जो रिश्तेदारी विच इस दी दादी लगती सी अते चंगे धार्मिक सुभाव वाली सी, इसने उस नूं अपने मन का सारा हाल कह सुनाया। अगों उस बुढ़ी दादी ने समय अनुसार बहुत सारे धीरज बनाने वाले बचन कहे ते नाल ए भी आख्या कि आ कावां रौली रोण पिटण वाले चार दिन लंघ लैण, मैं तेरे लई कोई जप तप जां पुन वाला रस्ता लभ देंगी जिदे नाल तेरा जीवन भी सौख्या कटिया जाएगा। पर इस बुढ़ी माई नाल दुख दे दिनां विच इस तरह दियां गल्लां करदियां सुनदियां वैराग होर पक्का हुंदा गया ते ए रोण पिटण वाले दिन भी हौली हौली बीत दे गए। भावें चिंता ते कलेश हुण भी बहुत है पर इस दुखी औरत दे दिल नूं ए इच्छा बड़ी करड़ी लग रही है कि किवें कोई रस्ता शांति दा मिल जावे।